नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ फख्तर दुबे। इस कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम रेरा कानून की बात करेंगे और इसके संबंध में तमाम जानकारी देंगे। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में एक एक्ट लागू किया था और जिसके अंतर्गत रियल एस्टेट अर्थात जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित सभी गैर कानूनी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया जाना था और इस एक्ट का नाम रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट या रेरा रखा गया। लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर गैर कानूनी रूप से कस्टमर से पैसे ले रहे थे और फ्लैट्स के नाम पर घटिया क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था, साथ में फ्लैट आवंटन में देरी की जा रही थी और इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए, बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए रेरा का कानून लाया गया। रेरा कानून क्या है, नियम क्या है और इसमें शिकायत कैसे करें, इसके बारे में आपको हम आज विस्तार से बताएंगे। तो ये तो थी रेरा से जुड़ी बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ विकास उपाध्याय जी। विकास जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो विकास जी, आपको रेरा के तमाम नियम कायदे कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। फ्लैट बिक्री खरीदारी से जुड़ी कानूनी जानकारी, रेरा नियम क्या है, इससे जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-6127-938। इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और कानूनी सहायता के लिए आप हमारे विशेषज्ञ से जुड़िए और अपने सवालों का समाधान कीजिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और विकास जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट रेरा क्यों लाया गया। वक्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। जहां तक आपके सवाल का जवाब है कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो है क्या कि रियल एस्टेट एक बूमिंग सेक्टर रहा है जो पिछले कई सालों से पहले रेगुलेटेड नहीं होता था। पहले आप अपना घर स्वयं बनवाते थे, फिर जब से रियल एस्टेट का बूम हुआ, बिल्डर्स आ गए, प्रमोटर्स आ गए उसमें, और ये कैटर करता है किसी एक खास कैटेगरी के लोगों को नहीं, ये लोअर इनकम से लेके मिडिल इनकम, हाई इनकम सभी को कैटर करने के लिए होता है जी। अब समस्या ये होती है कि बिल्डर्स या प्रमोटर्स जो होते हैं उनकी एक लॉबिंग टाइप की दिखती थी, उनके पास देवर मोर रिसोर्सफुल, उनके पास ज्यादा वकीलों की कानूनी सलाह उनके पास ज्यादा होती थी। एग्रीमेंट जो होते थे वो वन साइडेड होते थे। आप अगर आपके पास एज अ बायर आपके पास कभी भी ये निगोशिएशन पार नहीं होती थी। अगर आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप मुझे अपने प्रॉपर्टी के पूरे पेपर दिखाइए जिसपे बिल्डिंग बन रही है, कि आपके पास पूरे सैंक्शन है कि नहीं है, तो शायद बिल्डर आपको कोऑपरेट नहीं करेगा और दिखाएगा नहीं, और अमूमन ये सारे बिल्डर्स कराएगा और थ्रू आउट इंडिया रहेगा जी। नाउ इस तरह से काफी धोखाधड़ी और फर्जी पने के या धोखेबाजी के आपके इंस्टेंसेस काफी होने लगे। और ये देखा गया कि एक जो बेचारा ग्राहक होता है जो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाता है, उसको वो सहायता या वो एक कानूनी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जी। ये देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट लाया और रेरा एक्ट में उन्होंने ये प्रावधान किया, एक अथॉरिटी बनाई। उस अथॉरिटी के पास सारे बिल्डर्स को रजिस्ट्रेशन कराना अपने प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंट हो गया। प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उनको लेआउट भी दिखाना होता है, उनको ये बताना होता है कि वो कब तक में प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे जी। उनको अपने सैंक्शन जो प्लान है वो दिखाने पड़ते हैं, जमीन का टाइटलशिप दिखानी पड़ती है। इस सब तरीके से जो सारी जांच एक अमूमन एक आम आदमी नहीं कर पाता था, वो सारे दस्तावेजों की जो दस्तावेजों को दाखिल करने का या जमा करने का होता है, वो एक उस पर ऑब्लिगेशन आ गया प्रमोटर पे, तो प्रमोटर अब वहां पे जमा करेगा सारी चीजें जी। साथ ही साथ ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनका एक वेब पेज बन जाता है रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट पे, तो आप वहां पे जाके एज अ बायर आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं
कि इनके पास क्या क्या सैंक्शंस हैं, क्या नहीं है। उसी तरह से जो एजेंट होते हैं रियल एस्टेट के, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है जी। तो इन सारी चीजों में मतलब रेरा अथॉरिटी जो बनाई है उसका दो बेसिकली पहलू हो जाते हैं, एक रेगुलेशन का, दूसरा एडजुडिकेशन, जो डिस्प्यूट्स या जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके एडजुडिकेशन के लिए। ये फॉलो करवाना कि नियमों का सही तरीके से पालन हो, सारे डॉक्यूमेंट्स सही हो और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक ग्राहक को उपलब्ध हो, ये पूरी मंशा रही है एक बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश गवर्नमेंट की रही है, इसी के लिए रेरा एक्ट बनाया। जी बिल्कुल विकास जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर रेरा का कानून क्या है और इसे क्यों लाया गया। लेकिन बड़ा सवाल विकास जी यहाँ ये भी आता है, क्योंकि ग्राहक जब परेशान हो जाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ जाए, कैसे शिकायत करे। ऐसे में रेरा के तहत अगर ग्राहक को कोई शिकायत करनी है, किसी चीज को समाधान चाहिए, तो वो शिकायत कहाँ कर सकता है? हर स्टेट के लिए अथॉरिटी बनाई गई है और उसमें नियम बनाए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को नियम बनाने का, नोटिफाई करने का छूट दिया था। अब आज की तारीख में अमूमन सभी स्टेट्स में अथॉरिटी बन चुकी है और सभी में नियम है जी। आप उस अथॉरिटी में सीधे शिकायत करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको एक वकील की भी जरूरत नहीं है जी। आप तो स्वयं एक ग्राहक के तौर पे कर सकते हैं, या किसी को अगर लगता है कि नहीं उससे बेहतर शायद कोई चार्टेड अकाउंटेंट उसकी हेल्प कर सके उस केस में, तो चार्टेड अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरी को, या अगर वकील की जरूरत उसको महसूस होती है तो वकील को, इनके थ्रू वो अपनी शिकायत अथॉरिटी के सामने सीधे रख सकता है। जी बिल्कुल विकास जी, आपने अथॉरिटी की बात की है तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या रोल है इस पूरे मामले में? इसका रोल राइट फ्रॉम इंसेप्शन प्रोजेक्ट का, जहां से शुरुआत होती है वहीं से शुरू हो जाता है। तो जब ये रेरा एक्ट बना था तब भी गवर्नमेंट ने कहा था कि जिनके पास भी कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन प्रमोटर्स को भी, जिनको हम लूजली बिल्डर्स बोलते हैं, उन बिल्डर्स को भी रजिस्टर करना पड़ेगा अपने को रेरा एक्ट के अंदर। जब आप अथॉरिटी का मैंने बताया, जैसे मैंने पहले ही जब आपने एक्ट के बारे में बताया था तब भी मैंने इस चीज की चर्चा की थी कि अथॉरिटी के पास जब वो बिल्डर रजिस्टर करेगा तो उसको ना केवल ये बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट उसका कब तक कंप्लीट होने वाला है, साथ ही में उसको अपना लेआउट, जमीन का ओनरशिप और कितने उसने फ्लैट बुक किए। जैसे अमूमन क्या होता है जब आप और हम जाते हैं जिसमें निगोशिएशन हमारी कम हो जाती है, कि बिल्डर हमें एक इम्प्रेशन ये देता है कि साहब यहाँ पे तो सारी यूनिट्स बिक चुकी हैं, एक या दो आपकी यूनिट बची हुई है, हम भी उसमें प्रेशर में होते हैं और शायद निगोशिएट नहीं कर पाते हैं। नाउ अब इसमें क्या है कि आप अथॉरिटी की वेबसाइट में जाके उनको क्वार्टरली अपडेट करना पड़ता है कि उन्होंने कितनी यूनिट्स बुक कर दी है, कितनी पार्किंग उन्होंने बुक कर रखी है। तो ये सारी जानकारियां ये यहाँ पे अथॉरिटी के पास आपके उपलब्ध होती है जिसको आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अथॉरिटी ये भी इंश्योर करती है, पहले क्या होता था काफी शिकायतें और आज भी कई मुकदमे इसी सिलसिले में चल रहे हैं कि बिल्डर या प्रमोटर एक प्रोजेक्ट का पैसा लेके दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा देता था। अब ये कह दिया गया है कि नहीं, आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और आपको उस अकाउंट पे पैसे जमा करने पड़ेंगे एज अ बिल्डर या प्रमोटर, और जैसे जैसे आप उसका प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता रहेगा, आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करते रहेंगे, वैसे वैसे आप पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक बिल्डर की तरफ से हो गया। अब आप अगर कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर के लिए ये है कि आपको ये भी गारंटी रहती है कि ये प्रोजेक्ट सही चल रहा है। वहां पे आप अथॉरिटी के पास अगर लगता है कि आपके एग्रीमेंट का कोई भी वॉयलेशन हुआ है या प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, टाइमली आपको पोजेशन नहीं मिल रहा है या क्वालिटी में कोई इश्यू है, इन सब चीजों के लिए आप जाके अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकते हैं और अथॉरिटी कार्यवाही करेगी। यानी कि ट्रांसपेरेंसी पूरी यहाँ पर अब रखनी पड़ेगी ग्राहक के प्रति, अगर आपको आगे टीजिंग इश्यूज हर चीज में होती हैं, तो जब कभी प्रोजेक्ट कोई भी नया कानून बनता है उसमें टीजिंग इश्यूज होते हैं जी। तो हो सकता है अभी टीजिंग इश्यूज हैं, शायद उतना जल्दी निराकरण नहीं मिल पा रहा है, बट वक्त के साथ मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल विकास जी आपने कहा शिकायत कर सकते हैं रेरा में, शिकायत करने पर रेरा क्या कार्रवाई कर सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे ग्राहकों को या फिर जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चले कि अगर उन्होंने रेरा में शिकायत की है तो किस तरह का एक्शन उनकी तरफ से लिया जा सकता है।
रेरा के पास काफी अथॉरिटी दे रखी है, काफी पावर है उनके पास, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पावर है अगर प्रमोटर की तरफ से कोई गलती हो। एक बार रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट को आगे नहीं चला सकता है। फिर रेरा अथॉरिटी कंसर्न गवर्नमेंट से बात करके उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कराने की बात कर सकती है। तो जो प्रोजेक्ट हेल्ड अप होते हैं जिसमें प्रमोटर अपनी मनमर्जी कर रहा होता है वो नहीं हो सकता है। रेरा डायरेक्शन दे सकती है पैसा रिफंड करने के लिए ब्याज के साथ, अगर ग्राहक को पैसा वापस चाहिए। रेरा डायरेक्शन दे सकती है अगर प्रोजेक्ट में कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए डायरेक्शन दे सकती है। रेरा अगर पोजेशन आपको नहीं दिया जा रहा है तो पोजेशन देने की डायरेक्शन दे सकती है। रेरा कोई भी एंट्री ऑर्डर कर सकता है। रेरा आपका ये भी देख सकता है कि अगर मान लीजिए कोई आपसे अनुचित मांग की गई, जो पैसा ड्यू नहीं हो रहा है बिल्डर से या प्रमोटर से, वो पैसा वो मांग रहा है आपसे, तो रेरा उसके उस पे पाबंदी लगा सकता है, उस पे स्टे कर सकता है। तो पावर बृहद है। जितना भी आप सोच सकते हैं एग्रीमेंट के नॉन कॉम्प्लायंस को कॉम्प्लाई करवाने के लिए, वो सारी पावर रेरा के पास है। जो भी आपकी समस्या हो उसका समाधान हम करेंगे। विकास जी, जैसा कि आपने बताया कि रेरा में शिकायत ग्राहक कर सकता है और रेरा भी ग्राहक की शिकायत पर प्रॉपर तरह से एक्शन ले सकती है, लेकिन यदि रेरा ही शिकायत करने के बाद मदद ना करे तो फिर क्या किया जाए? वक्ता जी देखिए, रेरा जो है वो एक एडिशनल फोरम है जो ग्राहकों को दिया गया है। सिर्फ रेरा अगर कोई चीज या कोई फोरम ग्राहकों से वापस ले लेता है वो है सिविल कोर्ट। तो रेरा के आने के बाद अब सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर एरिया पे बात है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि आप कंज्यूमर फोरम फिर भी जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में जाने की आपको छूट है, आप चाहें तो दोनों ही रेमडीज चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली अमेंडमेंट जब आईबीसी में किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद आप एनसीएलटी भी जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसमें भी आप कार्यवाही कर सकते हैं। तो आपके पास तीन फोरम्स उपलब्ध होती हैं। आप चाहें तो एनसीएलटी चले जाएं आईबीसी के तहत, या आप चाहें तो कंज्यूमर फोरम चले जाएं, और अगर आप रेरा में हैं और रेरा में कार्यवाही करवा रहे हैं तो वो आपके पास एक एडिशनल फोरम है ये अवेलेबल। जी बिल्कुल, यानी कि ऑप्शंस हैं, अगर रेरा ना सुने तो आप अदर ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। जी विकास जी, विकास जी, अगर फ्लैट या संपत्ति की बुकिंग की राशि के बारे में जो भी नियम है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि नियम है कि रेरा अधिनियम आने से 10% से अधिक भुगतान के लिए डेवलपर्स को अब समझौता करना पड़ेगा। होता क्या है कि एक कानून में कहलाता है एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल एक इंफोर्सिबल डॉक्यूमेंट हो जाता है कि मान लीजिए कि आज की तारीख में आपने एक एग्रीमेंट किया है सेल का, जिसमें आपने ये तय कर लिया है कि आपको कौन सी संपत्ति मिलेगी ग्राहक के तौर पे, और प्रमोटर ने ये तय किया है, ये आपको बताया है कि आपको कौन सी संपत्ति दी जाएगी, कितने पेमेंट पे दी जाएगी। तो जब तक आपके पास एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता है तब तक आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। तो आज की तारीख में हो सकता है कि प्रमोटर ने मुझसे 40 लाख या 50 लाख में एक संपत्ति का समझौता किया रेरा आने के पहले जी, और वो समझौता चूंकि लिखित में नहीं हुआ है, उसके लिए कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं हुआ, कल को उस संपत्ति की कीमत मान लीजिए 70 या 80 लाख हो गई, वो कोई भी डिफॉल्ट बता के मेरी तरफ से वो एग्रीमेंट को कैंसिल करके किसी और को बेच देता है जी। ये पहले अमूमन काफी हुआ करता था, या कई बार ऐसा होता था कि बिना समझौते के ही वो आपसे पैसे लिए जा रहा है। अब रेरा कानून के बाद ये उस पर बंधनकारी है कि वो 10% से ज्यादा जो भी हमारे बीच में कीमत तय हुई है जी, उसके 10% से ज्यादा पैसा वो मुझसे नहीं ले सकता है जब तक वो एग्रीमेंट ना करे मुझसे लिखित में सेल एग्रीमेंट ना करे, जिससे मैं एज अ ग्राहक मैं प्रोटेक्टेड हो जाता हूँ, मेरे इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं, मेरे पहले ही दिन से मेरे क्या दायित्व होंगे और क्या मेरे अधिकार, ये एक पेपर में लिखित हो जाता है। उस जैसा आपने शुरू में कहा था, चीजों को ज्यादा ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बना देता है। जी बिल्कुल, विकास जी, अगर प्रोजेक्ट देने में देर हो रही है तो इसके लिए क्या मुआवजे का प्रावधान है? किस तरह मुआवजा तय होता है? बिल्डर को क्या उसके लिए ब्याज भी देना पड़ता है? मतलब हालात क्या होते हैं कि जब मुआवजा मिलता है, और अगर ना मिले तो बिल्डर पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसमें क्योंकि मैंने जैसे बताया, जब वो रजिस्टर कराता है प्रोजेक्ट, तो रजिस्टर कराते वक्त ही उसको टाइम बताना पड़ता है कि वो कब तक में टाइम में कंप्लीट करेगा।
कानून में प्रावधान है कि अगर किन्हीं कारणों से जो बिल्डर की कंट्रोल के बाहर हों, जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना था, कोरोना के कारण काम बंद थे, या पॉल्यूशन के कारण अक्सर कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो जाता है, अगर ये कारण हैं जिसके कारण वो वक्त पे नहीं पूरा कर पा रहा है प्रोजेक्ट, तो वो रेरा के पास वापस जा सकता है प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के लिए, टाइम पीरियड एक्सटेंड कराने जी। विकास जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे एक दर्शक हैं अनुभव यूपी से, वो इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। अनुभव क्या कुछ आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। हेलो अनुभव आपको आवाज आ रही है? जी अपना सवाल बताइए, क्या कुछ आपको परेशानी है उसका समाधान किया जाएगा। मुझे जानकारी चाहिए, जैसे सरकारी समिति के सचिव का पैरालाइज हो जाता है और समिति में केवल एक ही कर्मचारी है, ओनली सचिव, और उसको पैरालाइज हो गया है, तो उसकी जगह पे उसका वेतन कौन निकालेगा सचिव का? अनुभव आपकी आवाज ठीक से हम नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है, कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। लगता है अनुभव की अनुभव के जो कनेक्शन है उसमें थोड़ी दिक्कत है, जिस वजह से हम उनके सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके सवाल का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जी विकास जी, आप जो सवाल का जवाब दे रहे थे हम चाहेंगे आप उसे पूरा करें। जी आपका सवाल था कि क्या ब्याज बिल्डर को देना पड़ेगा कि नहीं अगर प्रोजेक्ट में डिले होता है, तो इसका जैसे मैंने कहा कि इसका निर्भर पहले तो प्रोजेक्ट के टाइमलाइन पे होता है, टाइमलाइन अगर एक्सटेंड हो गई है, रेरा ने एक्सटेंड कर दिया है, तो एक्सटेंडेड पीरियड पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। बट अगर एक्सटेंड नहीं होता है और जो टाइमलाइन दी गई है उसमें अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाता है, तो ग्राहक के तौर पे रेरा में कंप्लेंट करके हम ग्राहक के तौर पे ब्याज ले सकते हैं, खजाना उस पे लग सकता है जी। तो ये खजाने का प्रावधान भी है डिले के लिए, और अगर कोई उस डिले पे पोजेशन नहीं लेना चाहता है, ग्राहक को लगता है कि अब इसमें इतनी देरी हो रही है पूरे प्रोजेक्ट में कि उसके लिए ये उचित नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट पे वो कंटिन्यू करे, तो अपना पूरा पैसा भी मैं ब्याज वापस ले सकता है। इसमें अमूमन 10% ब्याज के आसपास का रहता है जो दिया जाता है इसमें जी। विकास जी क्या बिल्डर भी ग्राहकों की शिकायत कर सकता है? अगर कर सकता है तो कब और कैसे? नहीं बिल्डर के पास इससे कोई चूंकि ये रेरा जो अथॉरिटी का कानून है ये पूरा आपके इसके लिए बनाया गया है, प्राइमरली ग्राहक सेंट्रिक मैं बोलूं तो कंज्यूमर सेंट्रिक के पूरा है। इसका पर्पज एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए था। बिल्डर के पास हमेशा ये होता है कि जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन या एग्रीमेंट के वॉयलेशन पे वो कार्यवाही कर सकता है। अगर मान लीजिए कि पैसा नहीं उसको वक्त पे दिया गया है और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वक्त पे पैसा नहीं देने पे वो कैंसिल कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है उसमें, या अगर वो पेनल्टी इम्पोज कर सकता है एग्रीमेंट के तहत तो वो कर सकता है। उसके लिए रेरा में जाने की उसको आवश्यकता नहीं होती है, वो एग्रीमेंट की उसको इनफ पावर जो होती है या अथॉरिटी होती है वो दे देता है, रेरा में उसके पास जाने का विकल्प नहीं होता है जी। विकास जी अगर रेरा अधिनियम के तहत बिल्डिंग में किसी भी तरह की खराबी के लिए 5 साल की वारंटी के तहत उसमें सुधार कराने की जो जिम्मेदारी है वो बिल्डर की होगी, कैसे ये गुणवत्ता तय की जाती है? देखिए ये गुणवत्ता भी पूरी जो उसने लेआउट सबमिट किया होता है शुरू में जी उसके हिसाब से होता है, और जो उसने लेआउट में चूंकि ब्रोशर वगैरह या जो बनाते हैं वो भी जमा करना पड़ता है जी। तो अगर उसने किसी भी लिखित वादे का उल्लंघन किया है या उसने कोई भी जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं जो उसके लेआउट में उसकी जिम्मेदारी थी उनमें कोई भी कमी रह गई है या किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है 5 साल के अंदर जी। उसको दूर करने के लिए उसकी जिम्मेदारी है, पर जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है उस पर ये लागू नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, स्विचेस अगर खराब हो जाती तो उसके लिए हम उसको नहीं बुला सकते, पर हाँ अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जो उसने प्रॉमिस किया है जो उसके लेआउट में है उनमें कोई भी डिफेक्ट होता है तो 5 साल तक उनको रिपेयर करने की जिम्मेदारी उसी की होगी जी। विकास जी जिस हिसाब से आपने पूरे विषय को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और हमारे दर्शकों को बताया कि वो कहाँ शिकायत कर सकते हैं, रेरा उनके लिए कितना फायदेमंद है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।